नमस्कार। तो आज आप रेल विकास निगम स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रेल विकास निगम स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक को एक अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तकरीबन रिसेंट मंथ में भी, और एक अच्छी मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी देखने को मिली थी। तो कंपनी करती क्या है उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली फर्म ने टेक्निकल काफ़ी बार देखा है, चार्ट एनालिसिस, तो फंडामेंटल भी चेक करेंगे कंपनी क्या कर रही है। तो देख सकते कि तकरीबन रेल विकास निगम लिमिटेड वॉज कॉर्पोरेट इन 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे देख सकते कि इनकॉर्पोरेट किया था। इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइंड बाय MoR, इंक्लूडिंग डबलिंग गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट एंड शेयरिंग ऑफ फ्राइट रेवेन्यू विद रेलवे एज पर द ओकेशंस एग्रीमेंट एंटर इन टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कंपनी किस काम के क्या काम करती है उसके ऊपर भी आप लोग नज़र डाल सकते हो, और काफ़ी दिनों के बाद फंडामेंटल चेक करेंगे जिसमें मार्केट कैप अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ चुके हैं, 34,000 करोड़ के वो करीब चली गए, करंट प्राइस 163.52 वीक हाई के करीबन ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक, पी रेशो भी थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है 23 का है, बुक वैल्यू ₹35 है, डिविडेंड भी देख सकते कि पॉजिटिव ही है, तो 1.31%, ROC 17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, फेस वैल्यू ₹10 का। तो डेप्ट जो है कंपनी के ऊपर 6,441 करोड़, नेट प्रॉफिट 1,466 करोड़ का है, EPS जो है 7 का है जो कि बढ़िया नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए तो 381% का रिटर्न दिया है एक साल में, प्रॉफिट ग्रोथ भी एक साल में 7 to 18% ऑफ है, सेल्स ग्रोथ 5% ऑफ है लास्ट वन ईयर के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,982 करोड़ का है, टोटल एसेट 18,422 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी तकरीबन 1 के नीचे है, और EBITDA जो है 15.4, इक्विटी कैपिटल 2,085 करोड़, और डिविडेंड पे आउट 31%, प्रमोट होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है 72% की है, उसमें शेयर्स प्लेज ने जो कि बहुत ही अच्छी बात नज़र आ रही है।